गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाँच पाँच के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाँच पाँच कविता है सागर लहरे। एक बार दोबारा से हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सागर लहरे इस कविता के अंतर्गत क्या था? इस कविता के अंतर्गत कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रकृति और उसकी छटा, उसकी सुंदरता, सागर और उसकी लहरें, इन दो प्राकृतिक चीज़ों को कवि ने अपनी कविता में मुख्य आधार दिया है तथा मानवीकरण अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है। जैसे लिखा है उन्होंने, लहरों में प्रकृति की, यहाँ से बड़े से बड़े पढ़ लेते हैं, है क्या, लहरों में प्रकृति की अद्भुत छटा दृष्टिगोचर होती है। नृत्य करती हुई सागर लहरें जीवन में सक्रिय और आनंदपूर्ण रहने के लिए प्रेरित करती है। प्रातः संध्या, प्रातः मतलब सुबह, संध्या शाम, प्रातः संध्या एवं रात्रि में भिन्न रूप धारण करती हुई लहरें परिवर्तनशीलता में एक रूपता के अद्भुत सौंदर्य को सौंदर्य की सीख देती हैं। ये लहरें प्रातःकालीन समीर से, समीर मतलब हवा, संध्या के बदलते हुए रंग से, जब शाम हो जाती है तो सूरज जब ढलने लग जाता है तो एक अलग जो रंग दिखाई देता है आसपास के वातावरण का, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो संध्या के बदलते हुए रंग और रात्रि में चंद्रमा के सौंदर्य, रात को चांद का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। रात्रि में चंद्रमा के सौंदर्य से सक्रियता और आनंद प्राप्ति प्राप्त करती है। आइए हम भी कविता में झांककर देखें और समीर, संध्या, चंद्रमा आदि से आनंद प्राप्त करें। कवि कहते हैं, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरे मधुरता। अर्थात सागर के उर, उर मतलब हृदय, दिल, दिल पर जो लहरें हैं वो नाच रही हैं और मधुर मीठा गाना गा रही हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरे मधुर गान, जगती के मन को खींच खींच, निज छवि के रस को सींच सींच। जगती अर्थात संसार के मन को खींच रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है और निज छवि के रस को, रस से सींच सींच। छवि शोभा, और जो खुद की अपनी शोभा से, शोभा के रस से सबको सींच रही है, अपनी सुंदरता से सबके मन को सींच रही है। जल कन्याएं भोली अनजान, जो जल कन्याएं हैं वो कैसी हैं, भोली अजान है, यानी कि ना जानने वाली, जिनको पता ही नहीं है कुछ, वो जान को बिल्कुल भोली हैं ये जल कन्याएं, को कुछ नहीं पता। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, सागर के उर पर, सागर के हृदय पर नाच नाच के ये लहरें मधुर गान कर रही हैं। प्रातः समीर से हो अधीर, सुबह की हवा से एकदम अधीर हो उठती है, हलचल मच जाती है, छूकर पल पल उल्लसित तीर, और उल्लसित तीर को छूकर, यानी कि खुशी से खुश होकर, छूकर पल पल उल्लसित तीर, उस तीर के पल पल को खुश होकर, हर्षित होकर, छूकर, कुसुम अवली सी पुलकित महान। कुसुम अवली, जो कुसुम अवली मतलब अर्थात फूलों की पंक्ति, कुसुम मतलब फूल, अवली मतलब पंक्ति, तो फूलों की पंक्ति सी पुलकित महान, पुलकित होना एकदम से वो हर्षित हो जाना, खुशी, खुश हो जाना। कुसुम अवली सी पुलकित महान, फूलों की पंक्तियों की भांति ऐसा लग रहा था जैसे वो भी खुशी से एकदम खिल उठी हो। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, संध्या से पाकर रुचिर रंग, रुचिर होता है सुंदर रंग, शाम हो गई तो सुंदर सा रंग लहरों के अंदर भर गया। जब शाम ढलने लगती है तो सूरज का जो रंग है वो लाल हो जाता है,
और उस लाल रंग के कारण आसपास का जो वातावरण है वह भी लाल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं इतना सुंदर जो रंग उनको रुचिर रंग प्राप्त होता है, रुचिर रंग था रुचिर मतलब सुंदर रंग प्राप्त होता है सूरज से, संध्या से मिलता है, शाम से उनको वह रुचिर रंग प्राप्त होता है। करती सी शत सुरचाप भंग, और वह ऐसा लगता है, सुरचाप मतलब इंद्रधनुष, भंग मतलब टूटना, करती सी शत सुरचाप भंग, इतना सुंदर रंग प्राप्त हो जाता है जो इंद्रधनुष के जो रंग है उनको भी मानो जैसे भंग कर रही हो। करती सी शत सुरचाप भंग, हिलती नव तरु दल के समान, वह नव तरु जैसे लग रहा है नए नए पत्तों के समान, जैसे नए नए कोपले नए नए पत्ते होते हैं उनके समान वह भी क्या होती है, हिलती है। हिलती नव तरु दल के समान सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, सागर के हृदय पे नाच नाच के वह जो लहरें हैं क्या करती है, मधुर गाना गाती हैं। करतलगत अर्थात हाथ की में आए, हथेली में, करतलगत हाथ की जो तालियां हैं हथेली में आए हुए, करतलगत कर नव नभ की विभूति, करतलगत कर नव नभ की विभूति अर्थात करतलगत मतलब हाथ हथेली में आए, हाथों की हथेलियों से जो बजाए जा रहे हैं, करतलगत कर नव नभ की विभूति, नभ की विभूति अर्थात ऐश्वर्य, आकाश आकाश की विभूति ऐश्वर्य, करतलगत कर नभ की विभूति, पाकर शशि से सूक्ष्म अनुभूति, शशि मतलब चंद्रमा से सूक्ष्म अनुभूति पाती है, सूक्ष्म अनुभूति मतलब एकदम से उसको अच्छी सी अनुभूति होती है, सूक्ष्म अनुभूति पाकर शशि से सूक्ष्म अनुभूति अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त करती है, उसको चंद्रमा से एक अच्छी सी अनुभूति मिलती है, सुंदर अनुभूति सौंदर्य का अनुभव करती है चंद्रमा से। तारा अवली अब तारों की अवली अर्थात तारों की पंक्ति, तारो अवली तारावली सी मृदु दीप्तिमान, दीप्तिमान मतलब करना प्रकाशमान, चमक जाना, ठीक है। तारों के जब तारे निकलते हैं तो तारों में एकदम से वो सकते हैं मानो वो चमक उठी हो, ऐसा लगता है तारे जब आते हैं तो वो चमक जाती हैं। सागर के ऊर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, तन पर शोभित नीला दुकुल, तन पर क्या है नीला शोभित मतलब वो पूरी चारों तरफ क्या है ऐसा लग रहा है मानो के शरीर पर नीला दुकुल है, रेशमी वस्त्र पहने हुए सागर जो है इधर उधर लहरा रहा है, जो रेशमी वस्त्र पहने हुए सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर का, तन पर शोभित नीला दुकुल, दुकुल मतलब जिस प्रकार से लहरें हैं तारों के प्रकाश के कारण लहरें सफेद चमक रही हैं, लेकिन जो सागर है वो कैसा लग रहा है, नीला काला ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए हो, क्योंकि बिल्कुल जो सागर है बिल्कुल साफ सुथरा है, और उसको छुओ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो हाथ ने आपने को छुआ और फिसल गया। तो कवि ने कहा है कि नीला दुकुल, दुकुल है रेशमी वस्त्र अर्थात सागर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई नीला दुकुल सुशोभित हो, छिपे हृदय में भाव फूल, हृदय में भाव फूल, भाव के फूल छिपे हुए हैं ऐसा लग रहा है। आकर्षित करती हुई ध्यान सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, आकर्षित करती हुई ध्यान, आकर्षित करती हुई ध्यान आकर्षित मतलब खींचती हुई, आकर्षित करती हुई ध्यान सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, ऐसे लग रहा है जैसे लहरें बहुत ही सुंदर तरीके से गा रही हो, सागर के लहरों सागर के हृदय पर वो केवल नाच रही है। कभी मुदित है कभी मुदित, मुदित मतलब प्रसन्न, जो प्रभावित होकर किसी की तरफ अनुरक्त हो,
है कभी मुदित है कभी खिन, कभी तो वह प्रसन्न होकर प्रभावित होकर किसी की तरफ अनुरक्त होती है तो कभी खिन्न हो जाती है। मतलब कभी तो सागर की लहरें उन दर्शकों के पास चली जाती है मुड़ के, तो ऐसा लग रहा है मानो वह उनकी तरफ मुदित हो गई हो, और कभी तो वह उनसे खिन्न हो जाती है अर्थात जब सागर की लहरें वापस लौटकर दूसरी तरफ जाती हैं तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है मानो उसे खिन्न हो गई हो, यानी कि वह उनसे उनसे गुस्सा आ गया हो या फिर वह उनसे दूर जाना चाह रही है, खिन्न हो गई है। है एक सूत्र में बंधे प्राण सागर के ऊपर नाच नाच कहती है लहरें मधुरता, कह रहे हैं मानो एक सूत्र में बंधे हुए हैं प्राण और सागर के हृदय पर ये लहरें नाच रही हैं और मधुर गान मधुर गाना गा रही हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे लिखित। तो पहला प्रश्न है कवि ने सागर की लहरों को जल कन्याएं क्यों कहा है, देखते हैं इसका उत्तर। पांच पाठ मैं पाठ पांच लिख रही हूं लेकिन ये है क्या एक कविता है। सागर लहरें आज की डेट में डालेंगे, आज डेट 13 जुलाई। सागर लहरे पार्ट पांच ये कविता है, मैं अपने इसमें जरूर लिखना साइन में इसको कविता सागर लहरे कविता, और इसके लिए जो कवि हैं उनका नाम लिखेंगे आप ठाकुर गोपाल शरण सिंह, यहीं पे ऊपर लिख दीजिए ताकि ये रहे कि किसने लिखे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। उसके बाद आपका प्रश्न लिखित का, फिर आप लिखेंगे लिखित, ये जरूर लिखें कि लिखित का है या मौखिक का है। लिखित अब आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न था हमारा जल कवि ने सागर की लहरों को जल कन्याएं क्यों कहा है, उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कवि सागर लहरों को जल कन्याएं क्यों कह रहे हैं, उत्तर लिखेंगे। कवि सागर की लहरों को की लहरों को जल कन्याएं इसलिए कह रहे हैं कवि सागर की लहरों को जल कन्याएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जल कन्याएं क्योंकि यह लहरें कन्याओं की भांति भोली भाली हैं जो जो कभी इधर तो कभी उधर दर्शकों के मन को हरती है। कभी इधर तो कभी उधर दर्शकों के मन को पढ़ते हैं।
प्रातःकालीन समीर का लहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रातःकालीन सुबह समय समीर का लहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसी हो जाती है? अधेड़ हो जाती है। सुबह सुबह जब समीर लहरों से मिलती है, सुबह सुबह जब समीर लहरों से मिलती है तो मानो वह समीर उन्हें अधीर कर देती है। अधीर कर तो थे बेचैन, बेचैन कर देती है। तो सही लिखना पड़ेगा, गलत हो गया ये। बेचैन लिखना था, बेचैन अधीर मतलब बेचैन, जिसे चैन ना हो। समीर उन्हें अधीर बेचैन कर देती है। वह उन्हीं के साथ वो चलती है, वह उन्हीं के साथ हो चलती है। अगला प्रश्न है हमारा, लहरों में किन मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को दिखाया गया है? तो मानवीय भावनाओं होती हैं जो मनुष्य की स्वयं की भावनाएं हैं, मानवीय भावनाएं। और कौन कौन से व्यवहारों को दिखाया गया है तो वो भी आपको बताना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, लहरों में किन में निम्न मानवीय भावनाओं निम्न मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को निम्न मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को दर्शाया गया है। नंबर एक, अब जिन जिन मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है वो लिखना है। नंबर एक लिखेंगे कौन सी भावनाएं हैं। सबसे पहले देखिए, हमने देखा था कि कैसे नाच रही है, मानवीय भावनाएं हैं। ऐसा लग रहा है मानो जल कन्याओं के समान। कैसी कैसी भावनाएं हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे उनके लिए। जल कन्याओं के समान, भोली भाली व अजान पुलकित पुलकित व उल्लसित कभी मुदित कभी मुदित तो कभी छिन मनुष्य की भांति
मनुष्य की भांति चंचल, मनुष्य की भांति चंचल है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं इसके अंतर्गत कि कौन कौन सी मानवीय भावनाएं और व्यवहार हैं। तो ये व्यवहार है उनका और ये जो उसकी भावनाएं हैं, ये उल्लसित है, पुलकित है, भोली है, लेकिन कैसे व्यवहार कर रही है, अनजान, ये अजान की भांति, कन्याओं के समान, मनुष्य की भांति क्या है, चंचल है। अगला प्रश्न है, सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन तथा रात्रिकालीन सौंदर्य में से किस समय के सौंदर्य ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? ये प्रश्न का उत्तर आप सभी के ऊपर आधारित है कि आपको कौन सा रूप आपको अच्छा लगा, तो आप उसके अनुसार लिखेंगे। और अभी हम लिखते हैं प्रश्न का सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन, रात्रिकालीन सौंदर्य में से आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन सा लगा और कौन सा नहीं, वो आप बताएंगे। तो मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। सबसे सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन प्रातःकालीन संध्याकालीन तथा सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन तथा रात्रिकालीन सौंदर्य सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन तथा रात्रिकालीन सौंदर्य में से मुझे रात्रिकालीन सौंदर्य, रात्रिकालीन सौंदर्य अत्यधिक सुंदर सागर की लहरों के प्रातःकालीन, संध्याकालीन तथा रात्रिकालीन सौंदर्य में से मुझे रात्रिकालीन सौंदर्य अत्यधिक सुंदर लगा, क्योंकि इस समय में लहरों पर तारों का प्रकाश क्योंकि इस समय में लहरों पर तारों का प्रकाश उन्हें कांति में कर देता है, उन्हें कांतिमय कर देता है, जिससे वह सुंदर
लग रही है। तो ये था कि यहाँ था तारों का प्रकाश, तारावली सी मृदु दीप्तिमान, मृदु होती है मीठा, दीप्तिमान प्रकाशमान, तारों के प्रकाश से मानो मृदु दीप्तिमान सागर की ओर पर नाश नाश करती है, लहरें मधुर तांतन पर शोभित नीला दुकुल है हृदय में भाव फूल। तो ये है, तो केवल यहाँ से यहाँ तक जो बात की गई है वो की गई है कि सूर्य जब इसका चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उन लहरों पर, तो वह इतनी उज्ज्वल सी प्रतीत होती है, जैसे दूध के समान उज्ज्वल प्रतीत होती है जब उसका प्रकाश पड़ रहा है। देखिए दिख रही है वाइट वाइट ये लहरें दिख रही हैं, जब रात के समय में इन पर प्रकाश पड़ गया है चंद्रमा का, तो ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी चमक रही हैं रोशनी के कारण। तो ये आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में लिख सकते हो, आपको संध्या का समय अच्छा लगे तो आप संध्या के बारे में लिखेंगे, आपको सुबह का समय प्रातःकालीन समीर के समय अच्छा लगे तो आप वो लिखेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, अब इन प्रश्नों के उत्तरों को देखना है, आज की दिनांक में आपको ये प्रश्न उत्तर ध्यान से करने हैं सारे। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, फिर आप लेखक का नाम, कवि का नाम जो भी है लिखेंगे, उसके बाद आप लिखित प्रश्न उत्तर लिख के क ख ग घ चारों प्रश्न आप करेंगे अपनी कविता के, और इसको अच्छे से पढ़ के करेंगे ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो और आप अच्छे से अच्छा लिख सको और आपको याद भी समय के साथ साथ होता चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना है और साफ साफ काम करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।